तो भैया खूब खाए ली तुमने मटर पनीर। आओ कबू हमारे इटावा में मठा के आलू ना खवाए तो गई। तो हम यूपी से इटावा जिले के हैं। हमारे यहाँ मिठाई नहीं लड़ुआ खाए जाते हैं। और हाँ हमारे यहाँ नौता नहीं भंडारा होता है। सो मठा के आलू होन चाहिए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और इस वक्त हम इटावा के बहेड़ा पार्क में मौजूद है। हमारे साथ सोशल एक्टर मौजूद है। क्या नाम है आपका? ऋचा तिवारी। ऋचा जी कैसा देख रही हैं? आपने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना शुरू किया था और आप वायरल हुई थी, कैसा देख रही हैं ये सब चीज़ आज का दौर को? राधे राधे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है हम जब से सोशल मीडिया पे आए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें लगभग 1 से 1.5 महीना या 2 महीना हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये आप बता देंगे। अच्छा कैसा लग रहा है? आपके यहाँ पर लोग भी आते हैं व्लॉग बनाने के लिए, कैसा देख रही हैं आप? हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई आता है ऐसा लगता है जैसे सुपरस्टार बन गए हो, बहुत अच्छा लगता है। पर है तो नहीं। अच्छा आपकी सबसे ज़्यादा रील जो है वो फेमस कौन सी हुई थी? एक डायलॉग भी आपका चला था मठे के आलू। हाँ, क्या है ये मठा के आलू? कुछ नहीं है, खाना खा रहे थे, मठा के आलू बने थे घर पे और छत पे जाके वही वीडियो बना दिया। अच्छा कैसे बनाई थी, कोई डायलॉग होगा? हाँ हमने ये बोला था, भैया हम यूपी से इटावा जिले के हैं, आपके यहाँ पे मिठाई खाई जाती होगी, हमारे यहाँ तो लड़ुआ खाया जाए, और आपके यहाँ पे नौता हो तो या हमारे यहाँ तो भंडारा होता है, भंडारा सो मठा के आलू। अच्छा वो स्टाइल में एक बोल के दिखाइए, आप कैसे बोल रहे थे वही अंदाज में? एक्टिंग चेहरे का रिएक्शन भी उसमें अलग था और आपका। तो भैया हम यूपी से इटावा जिले के हैं, हमारे यहाँ मिठाई नहीं लड़ुआ खाए जाते हैं, और हाँ हमारे यहाँ नौता नहीं भंडारा होता है, सो मठा के आलू होन चाहिए। अगर इंस्टाग्राम के अलावा हमें कुछ मिलता है तो हम बिग बॉस में जाना चाहते हैं। बिग बॉस में जाना चाहते हैं। बिग बॉस के आपका सपना है? आप कैसे देखती हैं शिवानी जी बिग बॉस में गई और वापस आ गई थी? वो भी एक फेम मिल गया उनको कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक गांव की लड़की गई। हम कहते हैं एक ही दिन के लिए जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। अच्छा एक छोटे कस्बे से निकलती हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको कैसा देखती हैं आपके क्षेत्र को आप? मेरा बस इतना है कि जो यहाँ हम जहाँ रहते हैं महिवा में, वहाँ मतलब हमने काफ़ी लोग देखे हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए मना करते हैं और बाहर जाने के लिए मना करते हैं, तो बस इतना दिखाना चाहते हैं कि वो परमिशन दे दें उन लोग को, घर वाले उनके जाने दे पढ़ने दे, बस इतना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा एक आध कोई और डायलॉग हो जो आप रील पे यूज करती हो वो हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहें? बोलिए शर्मा जी, नहीं बोलिए कैमरा है। तो भैया खूब खा ली तुमने मटर पनीर, आओ कबू हमारे इटावा में मठा के आलू ना खवाए तो गयो। ऋचा जी आप काफी कम समय में सोशल मीडिया पर छा गई हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपनी जनता को देना चाहेंगे, सबसे पहले अपनी फैमिली को देना चाहेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे छोटे वाले भाई ने, और मेरे एक दो दोस्त हैं जो बेस्ट फ्रेंड हैं, रिया सिखा सात बेबी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, रिचान किया, तो हम उनको भी देना चाहेंगे। अच्छा इटावा के छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को घर से तक बाहर नहीं निकलने देते, कई परिवार ऐसे भी हैं जो पढ़ाई हाई स्कूल के बाद नहीं कराते, कोई इंटर के बाद नहीं कराते, उनको क्या संदेश जाएगा आपको? बस उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियां पढ़ने के लिए, लड़के अकेले पढ़ने के लिए नहीं, लड़कियां भी पढ़ने के लिए, आप उनको भेजो पढ़ाओ, और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, जो लड़के शायद आपके लिए ना करें वो उनसे ज़्यादा ही करेंगे। अच्छा आपका सपना क्या है, कहाँ तक पहुँचना? आप बिग बॉस भी जाना चाहते हैं, बिग बॉस से पहले कोई सपना होगा? बिग बॉस से पहले हमें भंडारा करवाना है बस, और तो हमारा कोई सपना नहीं है, बस मम्मी के साथ एक बार केदारनाथ जाना है पापा के साथ, और भंडारा करवाना है। अच्छा भंडारा। हाँ। अच्छा आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला है, मम्मी का पापा का किसका मिला है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे छोटे वाले भाई का। छोटे वाले भाई वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और शुरुआत हमने उससे ही पूछ के करी। अच्छा कैसा सपोर्ट रहा है, एडिटिंग करते हैं या आपकी पिटाई टाई लगने से बचाते हैं क्या? हाँ पिटाई लगने से बचाता है, और ब्लॉगिंग जैसे हम नहीं कर पाते, हम कुछ कर रहे हैं तो वो शुरू कर देता है, और पापा से परमिशन भी उसने ही ली थी, जब 30-32 के हो गए थे तब पापा से बात भी उसी ने करी थी, हमने नहीं करी थी। इस वक्त हमारे साथ थी सोशल एक्टर ऋचा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरा मैन सुमन तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी इटावा।